और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर अंतागढ़ टेपकांड मामले में वॉइस सैंपल के लिए मंतुराम पावर की आज एसआईटी के सामने पेशी होगी। एसआईटी ने जारी कर दिया है नोटिस। मंतुराम के पहुंचने की स्थिति साफ नहीं नजर आ रही है। अजीत जोगी और अमित जोगी को 25 जून को इस पूरे मामले में पेश होना है। पुनीत गुप्ता को 27 तारीख को एसआईटी का बुलावा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर हम बात करें मंतुराम पावर के वॉइस सैंपल के लिए पेशी यहां पर की गई है और एसआईटी ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरह अंतागढ़ टेपकांड मामले की बात की जाए, तो आज इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए, अंतागढ़ टेपकांड मामले की जो जांच है वो काफी धीमी पड़ी हुई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आचार संहिता था और इसमें जो मंतुराम पवार और सुनील गुप्ता है उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। लेकिन अब जो कांग्रेस के पूर्व मतलब नेत्री हैं किरण विनायक, उन्होंने कराया था इस मामले को लेकर अमित जोगी, अजीत जोगी, मंतुराम पवार और राजेश मूढ़त के खिलाफ। तो इन तमाम के आधार पर जांच चल रही है और जांच फिर से तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया था अमित जोगी, अजीत जोगी, मंतुराम पवार और सुनील गुप्ता को। आज मंतुराम पवार जो पूरे जो अंतर्गत टेपकांड मामले के मुख्य जो आरोपी हैं उनकी आज पेशी है, उनसे उनका वाइस सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि जो टेपकांड आया था उसमें मंतुराम पवार की आवाज थी। तो पुलिस वाइस सैंपल लेके उसको साइबर लैब में भेजी थी कि आखिरकार उस जो आवाज है वो तो मंतुराम पवार का है या नहीं। तो आज 10:30 बजे उनको पेश होना है। हालांकि हमें जो जानकारी मिल रही है उससे नहीं लगता कि मंतुराम पवार आज एसआईटी के सामने पेश हो। अब देखने वाली बात यही होगी कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो अगला कदम एसआईटी का क्या होता है। क्या लगता है हमें, जिस तरह देखा जाए कि अंतागढ़ टेपकांड मामला काफी चर्चित था और उसके बाद 4 माह लग गया इसको दोबारा खुलने में, क्योंकि 4 माह पहले तक इस पर काफी चर्चा की जा रही थी, लेकिन 4 माह बाद एक बार फिर ये मामला तेज हो गया है और मंतुराम पवार की बात करें, पूर्व विधायक की, या फिर जो बात चल रही थी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी और डॉक्टर पुनीत गुप्ता को भी नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ वजह सामने निकल कर आ रही कि मंतुराम पवार है वो आज पेशी में शामिल नहीं हो पाएंगे? देखिए, जांच धीमी इसलिए पड़ी थी क्योंकि जिस तरीके से 3 माह से जो आचार संहिता है वो लगा था और चुनाव के समय जो पुलिस महकमा है वो पूरा चुनाव में व्यस्त था, इसलिए जांच धीमी पड़ी थी। जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ और फिर से इसमें जांच तेज हुई है, जो इसमें तमाम आरोपी हैं उनको नोटिस दिया गया है। हालांकि एक जो आरोपी है राजेश मूढ़त, जिनका धार में नाम है, उनको नोटिस नहीं गया है। बाकी 4 जो आरोपी हैं उनको नोटिस भेजा गया है और आज मंतुराम पवार और कल अमित जोगी और अजीत जोगी और 27 तारीख को पुनीत गुप्ता को पेश होना है। लेकिन अगर आज की बात की जाए मंतुराम पवार की पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कोई ना कोई बहाना वो बना सकते हैं और एसआईटी के सामने पेश नहीं हो सकते। चलिए हेमंत, तो इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको बता दें कि अंतागढ़ टेप कांड की पुलिस जांच की लगभग 6 माह बाद एक बार फिर तेज हो गई है और पुलिस ने बयान के लिए जो सभी लोग हैं उनको बुला लिया है नोटिस देकर। और इसी साथ बुलेटिन फिलहाल